अब हमें क्या पढ़ना है, 6.2 और उधर पे है दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, रुकिए तो सही, अभी अलग बताते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए सूत्र क्या होता है? अगर दो बिंदुओं के बीच की दूरी है x1 y1 और x2 y2, ठीक है, तो आप दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं? x1 - x2 का होल स्क्वायर + y1 - y2 का होल स्क्वायर, या हम इसे चेंज भी कर सकते हैं, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। जैसे मान लो x1 का मान है 3, x2 का मान है 2, तो 3 - 2 1 का वर्ग, 1 ही आएगा, और 2 - 3 अगर हम करें तो -1, लेकिन -1 कवर करेंगे तो प्लस का ही 1 आएगा, इसलिए माइनस कवर करें या प्लस कवर करें वैल्यू पे 1 ही आएगी, इसलिए x1 - x2 कर लो या x2 - x1 कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे निकालेंगे हम बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, और मूल बिंदु से अगर बीच की दूरी निकालना है तो हमें 0-0 कर लेना है, एक बिंदु मूल बिंदु तो 0-0 कहलाता है, तो 0-0 से निकालेंगे। तो चलो 6.2 में जरा देखते हैं, है ना, बालाजी पब्लिकेशन एक्सरसाइज 6.2। 6.2 में क्या है, चले हाँ तो भाई चलिए एक मिनट का पहला क्वेश्चन समझ लेते हैं। कहाँ तक लगा लिया आप लोगों ने? 10 कंप्लीट हो गए? हमने 11 तक कंप्लीट है, तुम लोगों को कंप्लीट हो जाएंगे, क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, सीधा इसका बारवा पूछना है। चलिए ठीक, बारवा ही बता देते हैं। सिद्ध कीजिए कि बिंदु 4, 3, 6, 4, 5, 6 व 3, 5 एक वर्ग है, क्या है? एक वर्ग है, ये हमें सिद्ध करना। कौन कौन सा पॉइंट दिया है? 12वां क्वेश्चन में पॉइंट दिए हैं 4, 3, 6, 4, 5, 6 और 3, 5 एक वर्ग है। अच्छा, अब हम वर्ग के लिए क्या क्या सिद्ध करेंगे, गौर से समझना आप बिल्कुल। एक हमने वर्ग बनाया, क्या बनाया? वर्ग की प्रॉपर्टी क्या है, विशेषताएं क्या है, मतलब हम कैसे पहचानेंगे, यानी हमें सॉल्व करना, हमें पता है चार पॉइंट दिए गए हैं, लेकिन हम उसे सॉल्व करेंगे कैसे, जरा हम समझने की भी तो कोशिश करें। वर्ग में हमने देखा चारों भुजाएं बराबर होती है, मतलब एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, चार पॉइंट है, तो चार शीर्ष है, चार पॉइंट है, चारों पॉइंट। अभी यही सवाल आप लोग पूरा लगा दोगे, अभी हमसे पूछ रहे थे ना कि सर बारवा बता दो, लेकिन अभी आप ही लगाने वाले हो ये वाला सवाल, कैसे? चार पॉइंट है, अगर दो पॉइंट मिल गए तो आप बीच की दूरी निकाल लोगे। अगर हम यहाँ का पॉइंट बता दें, जैसे मान लीजिए हमने कह दिया यहाँ पर कि ये 2, 3 है, ये 1, 4 है, तो इनके बीच की दूरी निकाल लोगे, निकाल लोगे ना, तो आपको पहले चारों पॉइंट देख लेना है, चारों पॉइंट देख लेना है। वर्ग का नाम मान लिया हमने ABCD, तो इसकी दूरी, इसकी दूरी, इसकी दूरी, इसकी दूरी बराबर होना चाहिए। वर्ग में चार भुजाएं कैसी होती? तो अगर चारों दूरियां इसकी बराबर आ गई तो हम क्या कह सकते हैं इसे, कि ये एक, बिल्कुल नहीं कह सकते हम, वो तो समांतर चतुर्भुज में भी ऐसा होता। अगर हम ऐसा एक चतुर्भुज बना दें, ये समांतर चतुर्भुज में, या सम चतुर्भुज हम बना दें, तो सम चतुर्भुज में भी तो चारों भुजाएं बराबर होती, लेकिन ये वर्ग नहीं है, लेकिन ये वर्ग नहीं है, भुजाएं तो इसकी भी चारों बराबर आएंगी, तो क्या फिर अब अगर हम इसे वर्ग कह दिया तो मामला तो हो गया गंभीर, है? मैथमेटिशियन निकाल निकाल के तुम लोगों को मैटर पूरी तरह बाहर फेंक देंगे मैथ की दुनिया से, कहेंगे ये लोग गड़बड़ कर रहे हैं मैथ में आकर के, उल्टा का सीधा। अब उल्टा का सीधा हो कैसे रहा? अगर हम ये वाला विकर्ण देखें तो बड़ा है, ये वाला विकर्ण देखें तो छोटा है। अरे ये चली बात पता, वर्ग में देखो तो जितना ये है उतना ही है, मतलब हम इनके बीच की दूरी भी निकाले, ये वाला विकर्ण भी निकाले और ये वाला विकर्ण भी निकाले, और अगर दोनों विकर्ण बराबर आ जाए तब कह दें कि हाँ भैया वर्ग, और अगर दोनों विकर्ण अलग अलग आए, एक बड़ा एक छोटा है, तब फिर वो सम चतुर्भुज। आप आ गई पूरी बात समझ में? लगा लोगे? अभी नहीं लगा पाओगे, अभी लोगे? अभी कैसे लगा लोगे? क्या पता कौन सा बिंदु कहाँ बैठा? अगर हमने ऐसे वर्ग बनाया तो क्या गारंटी है कि 4, 3 यहीं पे हो? फिर गारंटी है? नहीं जरूर। हाँ,
फिर कैसे पता? क्वेश्चन ने ये कहा कि इसी क्रम में रखो, ऐसे कैसे चार कोमा तीन लोग। अच्छा एक मिनट रुको ना, जी के निर्देशांक एक मिनट, छह के एस के निर्देशांक क्या थे? पांच कोमा छह, और पी के निर्देशांक क्या थे? चार कोमा माइनस छह। ठीक है, अब पांच कोमा छह और चार कोमा माइनस छह अगर बराबर होते तो ये एक ही जगह पर स्थित होते, ये इतने बेचारे दूर कैसे होते, एक दूसरे का इंतजार कैसे कर रहे होते, और फिर वो पी तुम आ जाना है इसके पास, एस के पास, तुम पी के पास आ। देखो कैसे लगाएंगे, आप बनाओ कुछ नहीं, एक चतुर्थांश कार्तीय तल, क्या बनाओ? बस कार्तीय तल को पकड़े रहो तो मिलता रहे, आप पकड़ेंगे कार्तीय तल मिलेगा आपको बहुत बल, फिर आप लगाएंगे सवाल उसके बाद नहीं, हाँ फिर मिलेगा हल। देखो अब इसमें आप कितने पॉइंट माने, एक तरीका होता है इनका, आप देखो सबसे बड़ी संख्या क्या है, छह, तो छह तक मान लो, आप छह तक मान लो, और बड़ा बनाएगा थोड़ा सा समझने के लिए, आ रहे हैं, नहीं तो फिर समझ में गुजू गुजू होने लगेगा, फिर तुम्हें ऐसा से ऐसा कर दिया, वैसे ज्यादा बड़ा तो नहीं बनाया लेकिन बना जाए। एक दो तीन चार पाँच छ, एक दो तीन चार पाँच छ, एक दो तीन चार पाँच छ, और एक दो तीन चार पाँच, चार कोमा तीन, चार धन के और तीन भी धन के, एक दो तीन चार, एक दो तीन, एक आया यहाँ, एक आया यहाँ, ठीक है, ये कौन आ गया? चार कोमा तीन आ गया, इसे मान लेते थोड़ी देर, एक छह कोमा चार, एक दो तीन चार पाँच छह कोमा चार, चार कहाँ जाएगा? ये आया चार, देखो एक दो तीन चार इसके सामने, छह कोमा चार, ये रहा छह कोमा चार, ये रहा चार कोमा तीन, अभी आप सब कर ही दे रहे हैं हम, तसल्ली तो रखो, पाँच कोमा छ, एक दो तीन चार पाँच कोमा छ, तो इसकी सीट में पहुंच गया सीधे, ये है छह, पांच कोमा छ, फिर तीन कोमा पांच, एक दो तीन और कोमा पांच, यहाँ पर आ गया लगभग, कहा बन गया, बढ़ गई तो बनेगा, पहले का बन नहीं पता चल गया बना। अब ये है ए बी सी डी, को समझ आया? बना ऑटोमेटिक के नहीं बना, क्योंकि वर्ग ही है इसीलिए तो बना। अब हम इसमें एक विकर्ण डाल देते हैं और इसमें एक विकर्ण डाल देते हैं, अब क्या करोगे? अब आप ए बी के बीच की दूरी निकालोगे, कहेगी ए बी के बीच की दूरी, ए बी के नाम क्या है? ए बी, तो ए का चार कोमा तीन और बी के लिए छह कोमा चार, इसको मानेंगे एक्स वन बाई वन, इसको मानेंगे एक्स टू बाई टू, फिर हम निकालेंगे बीच की दूरी का नाम ए बी रख लो, डी ना रखो, इसकी दूरी निकालोगे तो डी लिखोगे, इसकी दूरी निकालोगे तो डी लिखोगे, फिर डी डी में डी डी हो जाएगा, तो पता ही चलेगा, इसलिए ए उस डी का नाम ए बी है। अब इन दोनों के बीच की दूरी निकाल लोगे ना, निकालते तो बनेगी ना, फिर बी सी की निकालो बीच की दूरी, फिर सी डी की निकालो, एक बार दूरी निकाल के बता दें, देखो एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर, देन वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर, एक्स वन का मान ए बी के लिए बी सी के लिए, ये दोनों कहलाएंगे, इनका नाम अलग हो जाएगा, इसका नाम बी इसका नाम सी, एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू बन जाएगा, ए बी के लिए अभी ये एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, सी डी के लिए ये एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू बन जाएगा, सबके लिए अलग अलग चेंज होते चले जाएंगे। एक्स वन का मान क्या है? चार, माइनस एक्स टू का मान क्या है? छह का होल स्क्वायर, धन वाई वन का मान क्या है? तीन, माइनस वाई टू का मान क्या है? चार का होल स्क्वायर, छह में से चार चले गए माइनस के दो बचे, दो कवर कर दिया चार हो गया, चार में से तीन चले गए माइनस एक बचे, माइनस एक कवर कर दिया एक आ गया, रूट के अंदर पांच, कुल मिला के आपकी दूरी आ गई रूट पांच। अब बी सी भी रूट पांच आना चाहिए, सी डी भी रूट पांच आना चाहिए, ए डी भी रूट पांच आना चाहिए, लेकिन कल हो के तुम ए सी निकालो, कल हो के नहीं मतलब अब यही ए सी निकालो, ए सी तुम्हारा रूट पांच आएगा नहीं, देखो सर जी कार्तिक के सब बुझे बराबर आए हैं, ए सी निकालो, हमने रूट पांच नहीं आओ, आप कैसे कहोगे ए सी रूट पांच थोड़ी ना आएगा, वो तो है विकर्ण, विकर्ण तो होता बड़ा भुजा से, शर्त ये है कि ए बी बी सी सी डी डी ए ये चारों एक जैसी आ जाएं,
और ए सी जितनी भी आए उतना ही बी भी आ जाए। फिर नीचे रखेंगे कि ए बी सी डी एक बार क्लियर है, तो इसका इंतजाम कर दीजिए आप लोग, पूरा लगाइए लगाइए कंप्लीट कर। अरे कैसे लगा रहे हैं अभी लगाइए।